71 में खुद लड़े थे तो क्या हुआ सबको पता है, किराए की आर्मी है ये। एक वर्दी का ही तो रिश्ता था, वो वर्दी भी उतार दी पाकिस्तानी आर्मी ने। अच्छा, इनको यानी कि डॉलर दो तो ये किसी भी मुल्क के खिलाफ लड़ेंगे। और पाकिस्तान के साथ यही चक्कर, पाकिस्तानी आर्मी ने एक नया ड्रेस कोड बनाया। ये जो बावले हैं ये पैसे की लालच में अपने न्यूक्लियर वेपन भी बेच देंगे किसी दिन। ड्रेस कोड ये कि उनकी खाकी वर्दी जो होती है आर्मी की, वो वर्दी के साथ साथ अब सूट और टाई भी पहने ये आर्मी। कोई बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आ जाए, 2-3 अरब डॉलर दे दिए जर्नलों ने अपनी जेब में, आसिम मुनीर ने अपने जेब में डाले और बोला बेटा ले जाए। एक इमेज बनाया हुआ था जो के बना रहा अब तक के जो है हमारी आर्मी हमें डिफेंड कर रही है। 1971-16 दिसंबर चड्डियों में भागना पड़ा था पाकिस्तानी आर्मी को। पाक आर्मी ने जितना इस मुल्क का तबाही की है ना, इतनी तो किसी ने भी नहीं की है ना। 72 वर्जी नूर के पास जाने को बिल्कुल तैयार नहीं थे कि नहीं हमको 72 वर्जी नूर के पास मत भेजो, अभी हमको 72 वर्जी नूर के पास अयाशी नहीं करनी है, हमको छोड़ दो। अपने मज़लूम फलस्तीनी बहन भाइयों से इजहार यकजहती के लिए न्यू ईयर नाइट मनाना हराम है। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से नए साल के हवाले से किसी भी किस्म की तकरीब के इनेकाद पर मुकम्मल पाबंदी होगी और पाकिस्तान में हम न्यू ईयर नाइट मनाने की कोई भी उस पर पाबंदी लगा रहे हैं। जब जिहाद की खुजली किसी कौम पे चढ़ जाती है ना, और जिसने भी न्यू ईयर नाइट मनाई वो जुर्म करेगा और बदन के अंग विशेष पर जिहाद की खाज पकड़ बना लेती है, तो फिर वो कंट्री, वो जो वतन है, वो जो देश है, वो जो मुल्क है, वो कभी ऊपर नहीं उठ पाता। सड़क पे कोई जैसे पागल चलता है, ठीक है, उस पागल से सब लोग डरते हैं, लेकिन अगर दोस्तों उस पागल के हाथ में AK-47 आ जाए तो सब लोग घर के अंदर, वो पागल पाकिस्तान है। बेलगाम पागल की तरह घूम रहा है पाकिस्तान आज की तारीख में। दोस्तों उसके पास 100 से लेकर 200 तो न्यूक्लियर वेपन है और सबको इसी चीज का डर है। इसलिए नहीं कि पाकिस्तानी बड़े बहादुर हैं या पाकिस्तानी बड़े जज्बे वाले हैं और उनके पास बम है और ये कर देंगे और ईमान के नाम पे, ना ना ना, नो नॉट एट ऑल। लोग इसलिए नहीं डर रहे पाकिस्तान से, इसलिए डर रहे हैं क्योंकि ये जो बावले हैं ये पैसे की लालच में अपने न्यूक्लियर वेपन भी बेच देंगे किसी दिन। कोई बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आ जाए, 2-3 अरब डॉलर दे दिए जर्नलों ने अपनी जेब में, आसिम मुनीर ने अपने जेब में डाले और बोला बेटा ले जाए, इसलिए लोग डरते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान अलकायदा तालिबान कहीं इनके ऊपर चढ़ाई करके इनके एटम बम न ले ले। नहीं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। पाकिस्तान्स न्यूक्लियर वेपन्स आर वेरी वेल गार्डेड, ये मैं मानता हूं। पाकिस्तान के जो हथियार हैं बहुत अच्छी तरीके से गार्डेड हैं, बट प्रॉब्लम पता है क्या है, बाहर से अलकायदा नहीं आएगा, इनके जनरल्स, इनके ब्रिगेडियर, इनके कर्नल, इनके कैप्टन, इनके मेजर, वो खुद अलकायदा के माइंड सेट के हैं, वो खुद इस्लामिक स्टेट के माइंड सेट के हैं। आप इनके डायलॉग सुनिए, याद है, ये देखिए, ये पाकिस्तानी सीनियर ऑफिसर क्या बोल रहा है, देखिए। हजरत सुभान अल्लाह तआला फरमाते हैं नई पाकिस्तान की हदीस, सून यू विल फाइंड एन आर्मी इन द ईस्ट, अन करीब तुम लश्कर एक देखोगे मशरिक से नमूदार होता हुआ, दोज हु विल अनचेन द रूलर्स ऑफ इंडिया, जो जाएंगे और हिंदुस्तान के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ कर लाएंगे, एंड विल टर्न रिटर्न टू डमस्कस, और फिर मुड़ जाएंगे दमिश्क की तरफ, विल फाइंड ईसा इब्ने मरियम, और अल्लाह ईसा इब्ने मरियम को पालेंगे। तो तुम में से जो शख्स उस दौर को पाले उस लश्कर में जा मिले, क्योंकि बिल आखिर उस लश्कर की क्यादत मेरे बेटे मेहदी के पास होगी। वी आर वेटिंग फॉर दैट। पाकिस्तान आर्मी इज नॉट आर्मी। मोदी साहब को जंजीरों में जकड़ना हमारे से अलावा कोई नहीं चाहता दुनिया में अभी, और मुड़ के हम ही जाएंगे दमिश्क इंशाल्लाह फलस्तीन को लाते आने के लिए जाएंगे। सुना आपने, ये बंदा वर्दी पहन के आम पाकिस्तानियों के बीच कह रहा है कि हमें जिहाद करना है, हमें गजवाहिंद करना है। ये पाकिस्तान का माइंडसेट है। अगर ऐसे बंदों के हाथ में पाकिस्तान ने दे रखे हैं एटमी हथियार कि तुम इनकी हिफाजत करो, तो आपको लगता है पाकिस्तान को अलकायदा की जरूरत पड़ेगी? पाकिस्तानी आर्मी ने एक नया ड्रेस कोड बनाया। ड्रेस कोड ये कि उनकी खाकी वर्दी जो होती है आर्मी की, वो वर्दी के साथ साथ अब सूट और टाई भी पहने ये आर्मी। अब तक आर्मी लड़ाई तो करती ही नहीं थी, और लड़ाई जो करती भी थी वो किसी और से करवाती थी, या तो लश्कर से या जैशे मोहम्मद से, और साथ में अगर करगिल भी किया तो पैरामिलिट्री के थ्रू किया। 71 में खुद लड़े थे तो क्या हुआ सबको पता है।
एक वर्दी का ही तो रिश्ता था, वो वर्दी भी उतार दी। इसी बात करके हमारे साथ नाजिया जी, नाजिया लाइखा, नाजिया जी वर्दी भी उतार दी पाकिस्तानी आर्मी ने। ये मुझे तो समझ में नहीं आता है रोहित भाई कि पाकिस्तानी तो इस्लामिक रिपब्लिक देश है, तो पहले ये वर्दी जो पहन रहा था तो वो तो सलवार कमीज और कुर्ता पजामा और टोपी के हिसाब से वर्दी पहननी चाहिए थी, वो सफारी के हिसाब से तो वर्दी पहननी नहीं चाहिए थी, इस्लामिक तरीके से वर्दी पहननी चाहिए थी और साथ में टोपी भी पहनना चाहिए था। अब एक तो झूठ मूठ का एक वर्दी पहनता भी था जिससे समझ में आता था कि भाई आर्मी और आर्मी का कोई काम होता होगा। हालांकि ये बात पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान अगर टिका हुआ है तो वो लश्कर ए तैयबा, अजमुल मुजाहिदीन और जितने भी टेररिस्ट गैंग हैं उसकी वजह से ही टिका हुआ है। अब देखिए हाफिज सईद को इन लोगों ने अपना पॉलिटिकल लीडर चुन लिया है। अब हाफिज सईद जैसे लोग बाप बाप, कल एक में मैं चैनल पे बैठी हुई थी, पाकिस्तान के ही चैनल पे फकर के साथ बैठी हुई थी, तो लोगों ने कहा हाफिज सईद हमारे किसी काम का नहीं है, हमारे किसी काम का नहीं है। तो भाई कुत्ते का दुम हो चुका है, वो सुअर का घू हो चुका है हाफिज सईद, अगर तो ना नीपने के बराबर बचा है ना पोतने के बराबर बचा है, तो तुम उसको फेंक दो। तुम उसको क्यों रखे हुए हो, तुम दाऊद इब्राहिम को क्यों रखे हुए हो, तुम जावेद मियां दाद उसके समधे को क्यों रखे हुए हो। तुमको अगर लग रहा है कि हाफिज सईद जो है वो सुअर का घू है, तुम्हारे किसी काम का नहीं है, तो फेंक दो। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि बिहार में एक कहावत होती है कि हाथी मर भी जाता है तो 1,25,000 का होता है, तो हाफिज सईद को दिखा करके जैसे ये लोग सबको डराते रहते हैं, जैसे निकोलियर बॉम्ब है, कुछ नहीं है, आलू बॉम्ब जैसा भी नहीं है, ये सिर्फ एक हवा बना करके झूठा हवा बना करके रखा है पाकिस्तान, हमारे पास निकोलियर बॉम्ब है, हम फोड़ देंगे। अरे तो भाई हमने अग्नि 5 मुकाओ क्या दिवाली के लिए रखा हुआ है, हमने जो अपने डिफेंस को इतना स्ट्रॉन्ग करके रखा है जो 4th पोजीशन पर आ गया है, वो क्या हमने दिवाली के लिए रखा है? और 1971 के दिसंबर ही चल रहा है, तो 1971 16 दिसंबर चड्डियों में भागना पड़ा था पाकिस्तानी आर्मी को, और 72 वर्जिन उनके पास जाने को बिल्कुल तैयार नहीं थे कि नहीं हमको 72 वर्जिन उनके पास मत भेजो, अभी हमको 72 वर्जिन उनके पास अय्याशी नहीं करनी है, हमको छोड़ दो, और उनको भागना पड़ा था चड्डियों में पैंट उतार करके। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के लोग, ये जितने भी लोग हैं, ये जो दिखते हैं, ये इतने बड़े चोर और चिटिंगबाज लोग हैं जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। और देखिए मुसलमानों की एक आदत होती है, चाहे वो पाकिस्तान के मुसलमान हो चाहे वो भारत के सुन्नी मुसलमान हो, मैं बिल्कुल काउंट नाम बोल रही हूँ, मेंशन कर रही हूँ, भारत में 72 मुसलमानों का फिरका है, लेकिन जितना सुन्नी मुसलमान खतरनाक है उतना कोई मुसलमान खतरनाक नहीं होता है। आप पाकिस्तान में देखिए सुन्नी मुसलमान ही खतरनाक है।